तो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जब मैं लाइव करता हूँ या फिर कहीं पर भी जा करके, मैं इंस्टाग्राम पे भी, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम वन पीस की मांगा कहाँ से रीड करें। तो टेंशन मतलब उस चीज का जवाब तुम्हें इस वीडियो पे मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मांगा रीड करना नहीं आता उनको भी जवाब मिलेगा कि वो लोग कहाँ से जा करके वन पीस की मांगा रीड कर सकते हैं, प्लस कैसे रीड करते हैं। वो सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो यार सबसे पहले तो जिन लोगों को मांगा रीड करना पहले से आता है पर उन्हें नहीं मालूम कि कहां से मांगा रीड किया जाए। अब देखो यार, जैसा कि तुम सब जानते हो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, तो यहां पर मैं डायरेक्टली पायरेटेड साइट को सपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज वन पीस की मांगा ऑफिशियली है। तो इस वजह से यार हम पायरेटेड साइट को सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वन पीस की मांगा नहीं होती तो मैं पायरेटेड साइट को सपोर्ट कर देता, डायरेक्ट बोल देता, पर वन पीस की मांगा ऑफिशियली इंडिया में आती है तो इस वजह से मैं डायरेक्ट नहीं कह पाता हूँ कि पायरेटेड साइट, कोई भी साइट का नाम नहीं ले पाता हूँ। तो इस वजह से यार उतना तो चलता है। अब देखो, वन पीस की मांगा हम लोग ऑफिशियली दो जगह से रीड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सोनन जंप और सेकेंड आता है विज मीडिया। अब जो लोग इंडिया से नहीं है उन लोगों को विज मीडिया से रीड करना चाहिए अगर वो लोग ऑफिशियली रीड करना चाहते हो तो। और रही बात जो लोग इंडिया से, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज प्ले स्टोर में सोनन जंप ऐप है, वहां से डायरेक्ट जाकर के तुम लोग रीड कर सकते हो वो भी ऑफिशियली। हाँ, उसके बदले तुमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट लेटेस्ट चैप्टर न्यू वाले जो 3 होते हैं वो तुम जो है जाकर के वहां से रीड कर सकते हो, वो भी ऑफिशियली ट्रांसलेशन के साथ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये ऑफिशियली और अनऑफिशियली ट्रांसलेशन होता क्या। अब देखो, अनऑफिशियली ट्रांसलेशन जो कि शुक्रवार को आता है, ज्यादातर जब भी मांगा रिलीज होता है शुक्रवार को आ जाता है। अब उसमें क्या होता है, पायरेटेड साइट वाले जो खुद से ट्रांसलेट करके रिलीज करते हैं, और वहीं अगर हम लोग चल जाए ऑफिशियली वाला, तो ऑफिशियली तो यार ऑफिशियली होता है। तो ऑफिशियली और पायरेटेड साइट में जो ट्रांसलेशन का फर्क होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है। जब तुम पायरेटेड साइट से कभी रीड करना मांगा और ऑफिशियली से जाकर के रीड करना, तो कुछ कुछ लाइंस जो है ना तुम्हें अलग देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से यार मैं जब भी रिव्यू वगैरह करता हूँ उसके बाद मैं हर संडे को जरूर, मैं रात को जब भी मांगा चैप्टर ऑफिशियली रिलीज होता है तो मैं उसको जरूर रीड करता हूँ, वो भी एक बार, बिकॉज इससे यार थोड़ा बहुत मुझे चेंजेस मालूम पड़ जाता है कि आखिर ऑफिशियली में क्या है अनऑफिशियली में क्या है। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते, उनको पैसे खर्च करना भी पसंद नहीं, या फिर कह लो पैसे होते भी नहीं, तो टेंशन मत लो। मैं ऑफिशियल साइट भी बताऊंगा जहां से तुम वन पीस की मांगा फ्री में रीड कर सकते हो, मांगा प्लस ऐप। अब देखो, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, पहले ये जान लो। मैं इन्हें प्रमोट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये इंडिया में फ्री में उपलब्ध है, प्लस इंडिया में यार जब कोई चीज ऑफिशियली फ्री में मिल रहा तो उसको प्रमोट करना फर्ज बनता है एज एनिमे यूट्यूबर कह लो या फिर वन पीस यूट्यूबर। तो देखो, मांगा प्लस ऐप में जितने भी सोनन मांगास होते हैं वो सारे मांगास तुमको फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, तुमको इसके लिए एक रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। बट एक शर्त है, तुम कोई भी मांगा का कोई भी चैप्टर सिर्फ एक बार ही पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ने के बाद तुमको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से यार मांगा का कोई भी चैप्टर अगर तुम खोलो तो उसको पूरा पढ़ लेना, उसके बाद जाकर के वहां से बाहर निकलना, बस यही तुमको ध्यान रखना है। और उसके बाद तुम लोग यार बिंदास होकर के वन पीस की मांगा के साथ साथ तुम सब ब्लैक क्लोवर, नारुतो, ब्लीच, माय हीरो एकेडमिया, डेमन स्लेयर जैसे अमेजिंग सोनन मांगास को भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर सारे सोनन सीरीज के मांगास यार उपलब्ध है, वो भी फ्री में। तो इस वजह से तुम सब, खासकर जो लोग अनऑफिशियली पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यहाँ से जाकर के एक बार ना एक बार मांगा जरूर रीड करना। और जो लोग यार सब्सक्रिप्शन लेने का ताकत रखते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो एक बार सपोर्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना, क्योंकि ऑफिशियली यार पढ़ने में ज्यादा औसम लगता है। चलो, मैंने बहुत ज्यादा भाषण दे दिया कि हम लोग किस तरह से ऑफिशियली मांगा को फ्री में रीड कर सकते हैं। अब बात आता है उनका क्या, जिन लोगों को मांगा रीड करना नहीं आता, जो लोग मांगा रीड करते हुए इंजॉय नहीं कर पाते, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भी जुगाड़ है मेरे पास। मतलब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे मांगा को रीड किया जाता है। अब देखो, अमूमन लोग क्या करते हैं, उनको मांगा रीड करना आता ही नहीं है, उनकी ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वो लोग गलत साइट से मांगा रीड करते हैं, इस वजह से उनको मांगा रीड करना नहीं आ पाता है और उन लोग को समझ में भी नहीं आता है। तो इस वजह से यार आज मैं तुम लोग को सही तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से मांगा को रीड किया जाता है।
अब देखो तुमको स्क्रीन में एक मांगा का पेज दिख रहा होगा, वो भी कलर वाला। अब मैंने कलर वाला क्यों यूज किया है? तो देखो कलर वाला मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज इससे कॉपीराइट आने का खतरा थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज ये फैन आर्ट की तरह होता है। अब हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ना बहुत बार बोलते हैं जब भी मैं मांगा चैप्टर का रिव्यू करता हूँ, भाई कलर मांगा कहाँ से रीड करते हैं। अब देखो भैया, कलर मांगा भी आता है पर वो ऑनगोइंग तक कलर हुआ नहीं है, वो भी अलग चल रहा है, उसका अलग क्रेज है, अलग स्लोली चल रहा है। मतलब वन पीस का एनिमे से भी स्लो चल रहा है, वो अभी अडेप्ट करना बहुत बाकी है। वो शायद ड्रेस रोजा तक शायद उन्होंने अडेप्ट किया कलर वर्जन में। बट अगर तुमको लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने होते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब भी मैं लेटेस्ट चैप्टर का रिव्यू लाता हूँ अपने चैनल पे, मुझे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई वन पीस की कलर मांगा कहाँ से रीड करते हैं। अब देखो वन पीस की जो कलर मांगा तुम लोग सोचते हो ना कि लेटेस्ट चैप्टर आता है, तो यार वो सब ना फैन आर्ट होते एक तरह से। एक वेबसाइट है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, वो क्या करती है जब भी उनके वेबसाइट पे मांगा चैप्टर रिलीज होता है तो कुछ चैप्टर वो कलर के साथ स्प्रेड करके रिलीज कर देती है, बस उसी के पेजेस होते हैं। अब मैंने ये वाला जो चैप्टर का लिया है, ये कलर पेज है जिसे फैन आर्ट की तरह समझ लो। अब मैं इसको जो है बताता हूँ कि किस तरह से तुम सब पढ़ सकते हो। देखो मांगा चैप्टर जब भी पढ़ो तो तुम लोग क्या करते हो, अमूमन हम लोग स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, इधर साइड से इधर साइड की तरफ, लेकिन मांगा चैप्टर को उल्टे साइड से पढ़ा जाता है। तो इस वजह से जब भी मांगा चैप्टर रीड करो तुमको उल्टे साइड से रीड करना है, वरना घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ मांगा चैप्टर जब तुम स्टार्टिंग में रीड करना शुरू करोगे ना, तुमको थोड़ा सा अजीब लगेगा, भाई मुझे अजीब लग रहा है वैसा लगेगा, पर तुमको धीरे धीरे आदत करना पड़ेगा। मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे यार जो लोग डब वॉचर्स रहते हैं, जो लोग वन पीस को डब में देखते हैं, तुमको कैसे जब तुम डब में देखना स्टार्ट किए तो और अचानक तुमको जब सब दिया गया था वन पीस सब टाइटल के साथ, तो थोड़ा बहुत अजीब तो लगा ही होगा ना, उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाता है। तो वैसे ही करना है भाई, वन पीस का जो मांगा है उसको भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करो, रीड करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आदत लग जाएगा तो तुमको भी ये अच्छा लगना लगेगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज बता दूं, वन पीस की जो मांगा है ना वो मुझे एनिमे से ज्यादा ऑसम लगती है। अब देखो भैया, मैंने तो यहाँ पर बता दिया कि कहाँ से वन पीस की मांगा को ऑफिशियली रीड कर सकते हैं, मांगा प्लस ऐप से। साथ ही साथ कैसे रीड करना है वो भी मैंने बता दिया। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, जो लोग इंडिया से नहीं है उनका क्या, बिकॉज उनके प्ले स्टोर में तो मांगा प्लस नहीं आता होगा। टेंशन मत लो, जो लोग पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से मेरे वीडियो देखते हैं उनका भी जुगाड़ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में मांगा प्लस का डायरेक्ट लिंक दे दिया, वो लिंक पे क्लिक करना और वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब देखो मुझे मत बोलो कि भाई ट्यूटोरियल ही बता दे, बिकॉज तुम सब यार वेबसाइट पायरेटेड साइट में घुस के मांगा रीड करने एनिमे देखने में एक्सपर्ट हो, तो वहां से जाकर के यार बहुत आसान है, तुमको बस घुसना है और डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो जाओ जाकर के मांगा प्लस ऐप को इंस्टॉल करो, जो लोग इंडिया से नहीं है। अब जो लोग इंडिया से हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है मांगा प्लस और वो वाला ऐप को इंस्टॉल करो और जाके वहां से रीड करो। तो यार आज मुझे बस यही सब बताना था। और हाँ, मांगा प्लस ऐप को जरूर इंस्टॉल करना, बिकॉज इंडिया में कोई चीज ऑफिशियली फ्री में मिल रहा है, बहुत कम ही ऑफिशियली फ्री में मिलता है, पर इस बार फ्री में मिल रहा है, तो जाओ जाकर के रीड मारो यार। साथ ही साथ लाइक करना डिसलाइक करना वो तुम्हारा मन है, पर अगर तुम इस चैनल पर नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं वन पीस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस पे, और हाँ लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यार, जल्दी से जाओ और मेरे 500 फॉलोवर करवा दो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।